गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फाइनली मैं पहुंच गई जहां मुझे पहुंचना था। जी हाँ गाइस, ये है जम्मू और हम लोग जम्मू में पहुंचे हुए हैं। और जम्मू में हम क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं और जम्मू में हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, वो सब आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा। तो बने रहिए मेरे साथ। ये है हमारा सरप्राइज और हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। बहुत सारे लोग पहचान भी गए होंगे कि हम लोग कहाँ आए हैं। तो जी हाँ, हम लोग आए हैं जम्मू तभी। और जम्मू तभी से क्या जाएंगे वो भी आपको आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा। क्यों जी हाँ दोस्तों, हमको नेक्स्ट जहाँ जाना है अभी वहाँ जाने में हमारे पास काफ़ी टाइम है। हमको यहाँ से 5 बजे निकलना है, 5 या 4 बजे आप कह सकते हैं। तो हमारे पास अभी काफ़ी टाइम है। हमारी ट्रेन जो है 11 बजे ही पहुंच गई थी जम्मू स्टेशन पे। तो अब हम लोग क्या करें 11 बजे से 4 बजे के बीच में? तो ये हुआ कि चलो लोकल में ही कुछ घूम लेते हैं। तो हम लोगों ने सर्च किया कि लोकल में घूमने जैसा क्या है। तो यहाँ पे बागे बहू, बाहू महल ये सब था। तो हम लोग चलो घूम लेते हैं। तो बाहू महल जो है वो डोंगरी महाराज का महल है, जो कि ये आप सामने देख सकते हैं, ये किला उनका है। और इसी किले के अंदर एक काली माँ का बहुत ही भव्य और खूबसूरत सा मंदिर है। हम लोगों की इच्छा थी कि उनका भी दर्शन हो जाए, लेकिन हो नहीं सका क्योंकि भीड़ बहुत लंबी थी। और अगर हम उस लाइन में लगते तो मुझे लगता है कि 4-5 तो यही बज रहा था हम लोगों को। और ये स्टेशन से भी आई थिंक आधे घंटे पौन घंटे की दूरी पे था। तो हम लोगों को स्टेशन पहुंचने में भी कुछ टाइम लगता। तो हम लोग कहे चलो अच्छा, बाहर से ही जो भी हम लोग घूम सकते हैं घूम लेते हैं, अंदर जाने का टाइम तो नहीं है हमारे पास, नेक्स्ट टाइम अंदर जाएंगे। तो बस हम लोग रोड घूमे, टहले और इंजॉय किया। समझदार लड़का। क्या कह रहे हैं मम्मी? पीछे मुड़ के कुछ कहने कह दे अपने। क्या है इधर? बहुत कुछ जो है देखिए। फोर्ट के अंदर ही है। फोर्ट के अंदर बस एक मंदिर है। चलो फोर्ट को डाका है। वही तो पापू कह रहे प्रिंस ऑफ पर्सिया करके एक लगाओ डाकू। आसान है। हाँ आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। रास्ता है नहीं, रोड के अंदर ही जाना है। चलते वापस चलते। नहीं नीचे दिखाना चाह रही हूँ मम्मी आपको, कितना खूबसूरत लगेगा। हमको भी हमको तो मंदिर अच्छा लगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत सारी लंबी लाइन लगी थी, तो ये है वो लंबी लाइन जिसको मैंने आप लोगों को दिखा दिया। उसके बाद हम लोग निकलते हैं जम्मू में। एक हर की पौड़ी, डुप्लीकेट हर की पौड़ी बना हुआ है, उसका दर्शन करने, मतलब कि पूरा सेम तरीके से पूरा डेकोरेट किया गया, अच्छा लग रहा था। तो हम लोग चलते हैं वहाँ पे। एक ऑटो वाले भैया को हम लोगों ने बुक किया था, वही ये सारी जगह हम लोगों को घुमा रहे थे, जिसमें से 2 जगह हम लोग घूम भी नहीं पाए क्योंकि एक तारीख की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, मतलब कि क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे था। तो कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा बहुत जो भी घूमे उसके बाद फिर इस मंदिर में हम लोग पहुँचे। यहाँ कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था, इस वजह इसके अंदर का हम लोग कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाए। मंदिर बहुत सुंदर था, नो डाउट अगर आप लोग जम्मू जाते हैं और आपके पास टाइम है तो आप यहाँ पर ज़रूर जा सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है ये भी। बंद कर दो, सीटी लगा। कोई नहीं, कोई बोले नहीं। अरे बताए हैं वीडियो में, हमको याद नहीं है, किसी का महल है। अच्छा यही फोटो नहीं, ये काली माँ का मंदिर है। हम बोल रहा है आप ही नहीं मान रहे हैं। कब बोले? देखिए कमल के देखिए देखिए थैंक यू मम्मी, है ना, भूख लगी है, दर्शन करके चलिए। Thank you.
चलो हाथ दलवाइए, सर फूल माला दीजिए, फूल माला दीजिए, प्रसाद लेना हाथ दला प्रसाद वाला बनेगा, प्रसाद फूल और प्रसाद 50 रुपये का, माला नहीं आएगी, फूटे फूल आएंगे इसमें प्रसाद में, 50 रुपये दे दीजिए, 50 पैक में दे दूँ, दे दो प्रसाद ला चमक ला, नहीं तो माला नहीं था ना, फूल और वो प्रसाद तो भैया सारा घूमने टहलने के बाद पेट पूजा की बारी है, भूख से सबकी हालत हो गई है ख़राब, इस समय बज रहे हैं दिन के जहाँ तक मुझे लगता है 2 बज रहे हैं और हम लोग भूख से एकदम परेशान हो गए हैं सब लोग। तो हम लोग पहुँचते हैं वैष्णो ढाबा में जहाँ की शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है, 270 रुपीज़ समथिंग थाली का पर प्राइस है, अनलिमिटेड खाना होता है, पनीर की सब्जी होती है, मटर पनीर, आलू गोभी की सूखी सब्जी होती है, चावल होता है, दही रायता होता है, सलाद होता है, रोटी होती है, चावल होता है, उसके बाद एक्स्ट्रा में आप कुछ भी मांग सकते हो जो भी आपको चाहिए हो, नो डाउट खाना बहुत टेस्टी होता है इनके यहाँ का। हम लोग पिछली बार भी जब जम्मू आए थे तो यहीं पे हम लोगों ने खाना खाया था और इस बार भी यहीं पे इत्तेफाक से आ गए खाना खाने के लिए। तो चलिए फटाफट से पेट पूजा करते हैं, देन आफ्टर हम लोग फिर अपने अगले ट्रिप के लिए निकलते हैं। और आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में और बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छे अच्छे से कमेंट कीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, और आगे वाले आने वाले ब्लॉग के लिए बने रहिए क्योंकि ढेर सारे ब्लॉग कंटिन्यूसली मैं भेजूँगी। क्या है कि थोड़ा सा इस समय टाइम नहीं मिल पा रहा है, शादी विवाह का टाइमिंग चल रहा है तो बिजी रह रहे हैं हम लोग खुद ही रिलेटिव्स के यहाँ, तो इनके यहाँ उनके यहाँ पार्टी करते हुए, तो जो भी टाइम है हमारे पास उस हिसाब से हम लोग जो है बना रहे हैं ब्लॉग। तो आप लोग इन्जॉय कीजिए एंड बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और अब हम लोग निकल चुके हैं अपनी अगली ट्रिप पे, अब यहाँ से हम कहाँ जाएंगे वो आपको आगे आने वाले ब्लॉग्स में पता चलेगा। अभी फ़िलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट पे जहाँ पे डिपार्चर का टाइम है हमारा लगभग 4:50 पे, लेकिन आपको पता ही है जम्मू है तो यहाँ पे थोड़ा सा सेंसिटिव इलाका है तो हर चीज़ की जांच पड़ताल बहुत ज़्यादा ही होती है। ये पहला राउंड है जहाँ पे चेकिंग होगा, उसके बाद अंदर जाने पे चेकिंग होगा, उसके बाद एट लास्ट डिपार्चर की जगह पे चेकिंग होगा, मतलब 3 चेकिंग चेक पोस्ट हमें पार करना पड़ता है जम्मू एयरपोर्ट पर। तो जी हाँ गाइज, यही था आपके लिए सस्पेंस कि हम लोग बाई फ्लाइट जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो आगे बताएंगे आपको, या वहाँ पहुँच के आपको खुद ही पता चल जाएगा। और ये हमारी पूरी फैमिली की फर्स्ट फ्लाइट ट्रिप है तो हम लोगों ने तो बहुत इन्जॉय किया, आप भी बने रहिए इन्जॉय कीजिए एंड प्लीज़ गाइज थैंक यू सो मच आपके इतने सारे प्यार के लिए, क्योंकि पिछले ब्लॉग में आपने बहुत ढेर सारा प्यार दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़े से लाइक्स भी बढ़ा दीजिए यार, आप लोगों के लाइक्स से थोड़ा दिल खुश हो जाता है, अच्छा लगता है कि हाँ कुछ तो अच्छा गया जो आप लोगों को अच्छा लगा। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, आगे बहुत सारा कुछ देखने को मिलने वाला है।